हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज के 4 बजे के क्लास में मैं जो क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यूनिवर्सलाइजेशन से है। सार्वभौमिकता क्या है, आप स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन के सार्वभौमिकता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन मीन्स इतनी बार रिपीट हुआ है और रिपीट जब भी होता है तो ये लॉन्ग में ही पूछता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि अगर इसके बारे में आप जानते नहीं हैं तो आप लिख नहीं पाओगे। मतलब थोड़ा सा भी पॉइंट, अगर इसके बारे में हिंट आपको नहीं है कि ये है क्या, तो लिखने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से करके जाइएगा ही। कंटेम्प्रेरी में ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास जैसे जान रहे हैं कि 4 बजे हो रहा है अभी। अभी हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे आने वाले एग्ज़ाम जो है ललित नारायण यूनिवर्सिटी से है, 18 तारीख से स्टार्ट है वो, 18 मई से। उन लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाया जा रहा है कि उन लोगों के सिलेबस में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। और आगे जाकर के CCS यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम है, तो CCS का जो एग्ज़ाम है मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट में होगा, तो उन लोगों का भी क्वेश्चन हम देखेंगे। उनके भी सिलेबस में कंटेम्प्रेरी है, कंटेम्प्रेरी CCS में भी है और यहाँ पे LNMU में भी है। दोनों का एग्ज़ाम जो है पहले आने वाला है, तो हम लोग देख रहे हैं। वैसे ये क्वेश्चन जो है आपका आगरा में भी है, आगरा में भी कंटेम्प्रेरी है और रेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इससे पहले फ्रेंड्स, CCS यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अगर आप हैं या बिहार बीएड एंट्रेंस आप क्लियर करना चाहते हैं, आगरा के स्टूडेंट हैं, अवध के हैं, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो है पेड क्लास हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और हमारा क्लास लेना चाहते हैं, तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन देख लीजिए, इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मैं इसको 3 पार्ट में लाई हूँ। पहला पार्ट तो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। सेकेंड है, हाउ मच सक्सेस हैज़ बीन अचीव्ड इन दिस डायरेक्शन सो फार। एंड थर्ड है, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू अचीव दिस एम विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आपका ये क्वेश्चन जो है ये प्राथमिक शिक्षा से है। प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक शिक्षा में के सार्वभौमिकता पे। ये जो वर्ड है सार्वभौमिकता, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है और ये प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के ही आता है। इसका मीनिंग अगर आप नहीं जानेंगे तो रियली में इसके बारे में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो ही जाएगी। तो मीनिंग समझिए और फिर लिखिए। आइए हम पहले समझते हैं सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है। सार्वभौमिकता का मतलब होता है सभी के पास। सार्वभौमिकता का मतलब, ये जो यूनिवर्सलाइजेशन है, इसका मतलब है कि सभी के पास यूनिवर्स में जितने लोग हैं, जहाँ जहाँ लोग हैं, उन सभी के पास जो है ये प्राथमिक शिक्षा जो है पहुँचाई जाए। प्राइमरी एजुकेशन को जो है सार्वभौमिक बनाया जाए, मतलब हर एक बच्चे, हर एक इंसान तक जो है प्राइमरी एजुकेशन पहुँचे, ये होता है सार्वभौमिकता का मतलब। अब ये सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है कि इस दिशा में कितनी सफलता मिल चुकी है, ये सार्वभौमिक बनाने के लिए क्या क्या किया गया है और कितने सफल हुए हैं। दूसरा है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, सेकेंड ये बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो आप समझिए, शिक्षा का सार्वजनिकरण, लोकव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण, ये तीनों वर्ड से आता है क्वेश्चन। तीन वर्ड कौन कौन सा है, सार्वजनिकरण, लोकव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण। इन तीनों वर्ड का मतलब सेम होता है कि हर एक बंदे के पास जो है एजुकेशन को पहुंचाना, हर एक बंदे के पास उस चीज का होना। तो इसका अर्थ है, शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए, निश्चित स्तर का मतलब यहाँ पर हो गया आपका प्राइमरी स्तर तक। यहाँ पे प्राइमरी शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया प्राइमरी स्तर तक। तो निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना, अनिवार्य यानी कंपल्सरी रूप से उपलब्ध होना
शिक्षा के सार्वजनिकरण की संकल्पना भारत में प्राचीन काल से ही विकसित हो चुकी थी। पहले से ही जो है ये सार्वभौमिकरण के बारे में जो है भारत में बातें चलती हैं और इसके बारे में क्या क्या कदम उठाए गए हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जेपी नायक के अनुसार, जेपी नायक ने इसके बारे में क्या कहा है, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनाने तथा इसे राष्ट्रीय विकास से संबंध करने की आवश्यकता है। शिक्षा को भारत के जन साधारण के उस वर्ग की ओर उन्मुख करना है जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि उनमें आत्म चेतना जागृत हो सके और उनकी उत्पादक क्षमताएं प्रस्फुटित होकर उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्रभावी रूप से सहभागी बनने योग्य बनाया जा सके। देखिए जेपी नायक के अनुसार इन्होंने बोला है कि हम सब ये बात मानते हैं कि अगर हमारे सोसाइटी में कुछ चेंज चाहिए, अगर हमारे देश की उन्नति, हमारे देश के में प्रोग्रेस चाहिए, तो शिक्षा ही वो माध्यम है जिसकी वजह से हम इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है जिसकी वजह से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है शिक्षा को, अब ऑफ कोर्स हम बोल तो रहे हैं कि एजुकेशन जो है स्ट्रॉन्ग वेपन है हमारे लिए, स्ट्रॉन्ग एक हथियार है जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसको स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि सभी के पास होना चाहिए तभी तो। जब सभी के पास ये नहीं रहेगा तो क्या शिक्षा स्ट्रॉन्ग वेपन बन पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए शिक्षा को भारत के जन साधारण के उस वर्ग की ओर उन्मुख करना है जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि उनमें आत्म चेतना जागृत हो सके और उनकी उत्पादक क्षमताएं प्रस्फुटित होकर उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्रभावी रूप से सहभागी बनने योग्य बनाया जा सके। जो लोग भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, अगर उनके पास शिक्षा पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है वो अपना जीवन यापन तो अच्छे से कर पाएंगे। जब वो अपना जीवन यापन कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली अगर हम देखेंगे तो राष्ट्र निर्माण में उनका जो है योगदान हो ही जाएगा। तो इस तरह से जो है शिक्षा का सार्वभौमिकरण राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू जेपी नायक। अब चलिए दूसरा, एस चक्रवर्ती के शब्दों में इन्होंने क्या बोला है प्राथमिकी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बारे में। सामाजिक पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की समस्या का निसंदेह निर्णयात्मक महत्व है। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि आप सोसाइटी में चेंज करना चाहते हो या सोसाइटी में कुछ निर्माण करना चाहते हो, तो उसके लिए तो आपको ऑफ कोर्स शिक्षा ही जो है आपके लिए हथियार का काम करेगी। तो शिक्षा जब हथियार का काम करती है तो उसको आपको हर के पास पहुंचाना भी ज़रूरी होगा। संविधान की धारा 45 के अनुसार 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया गया, जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है। जैसे संविधान का जो हमारी धारा है 45, उसके अकॉर्डिंग ये संकल्प लिया गया था कि 10 वर्ष के अंदर जो है 6 से 14 वर्ष के जो भी आयु के बच्चे रहेंगे सभी के पास जो है शिक्षा पहुँचाई जाएगी। और सभी के पास अगर शिक्षा पहुंचाई जा रही है तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो जाएगा। ठीक है, ये तो एस चक्रवर्ती का हुआ। अब हम देखेंगे इसमें समस्या क्या आती है। आप खुद सोचिए, आप पढ़िए मत अभी, अभी आप ये सोचिए कि हम हर किसी के पास जो है शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है, रीज़न क्या है। तो पहला तो बोला गया है कि सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव, जो फैसिलिटीज़ हमें देनी चाहिए उसका अभाव है। प्राथमिक विद्यालयों की, अब ये किस तरह की सुविधाएं हैं, प्राथमिक विद्यालयों की दूरी 1 किलोमीटर से कम नहीं है, अतः छात्रों को पैदल जाना पड़ता है। सबसे पहली समस्या तो यही है विद्यालय के बारे में। प्राथमिक विद्यालय जो है वो बच्चों के लिए जो है 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे में हो ताकि वो जा सके, लेकिन 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं है। बहुत सारे जगहों पे जो है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर
तक जो है बच्चों को जाना पड़ता है एजुकेशन के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, तो क्या ऐसे में सभी बच्चे जा पाएंगे? नहीं। और क्या ऐसे में शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो पहला जो समस्या है, हम ऐसे तो ढोल पीटते रहते हैं कि हमें जो है शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, समस्याओं का समाधान जो है वो नहीं हो पाता है। तो सुविधाओं के अभाव की वजह से जो है ये पहला जो चीज़ है सार्वभौमिकरण हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। दूसरा है नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव। एडमिशन जो होता है बच्चों का, उसमें भी जो है पूरी तरीके से मैं बोलूँ तो 100% रिजल्ट नहीं है। इस समस्या के अंतर्गत बहुत से छात्र छात्रा ऐसे हैं जिनका विद्यालय में 6 वर्ष की अवस्था में प्रवेश होता है। कहीं कहीं पहली कक्षा के प्रवेश के समय छात्र की आयु 10 से 11 वर्ष भी होती है। जैसे कि ये नियम बनाया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी प्राइमरी की, तो 6 से 14 में एडमिशन भी तो होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ जगह पे ऐसा है कि बच्चों का जो एडमिशन होता है तब उनकी उम्र ही रहती है 10 से 11 वर्ष। तो फिर यहाँ पे एडमिशन में जो है नामांकन में प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो होती हैं और इसकी वजह से जो है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हो पा रहा है। तीसरा है शिक्षा को बीच में छोड़ने की सार्वभौमिकता। ठीक है, एक तो इतने मुश्किल से एडमिशन होता है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि इन लोगों का एडमिशन तो हो गया, जिनका एडमिशन हुआ वो बीच में ही अपना एजुकेशन छोड़ देते हैं, अपनी शिक्षा को छोड़ देते हैं। इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न है कि शिक्षा की यह समस्या पहली दो समस्याओं से जुड़ी हुई है। अब आप खुद सोचिए कि अगर बच्चे का एडमिशन आपने तो बोल दिया, कन्विंस करके करवा लिया, अब वो बीच में अगर छोड़ रहा है एजुकेशन अपनी शिक्षा, तो क्यों छोड़ रहा है? तो इसके जो ऊपर वाले दो रीज़न हैं वही है। पहला तो यह है कि सुविधाओं का अभाव, जैसे कि जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है, दूर स्कूल रहता है तो हर एक बच्चा जो है डेली जा नहीं पाता और ऐसे धीरे धीरे करके उसकी पढ़ाई छूट जाती है। दूसरा जो है कि जैसे कि लेट से उसका एडमिशन ही हुआ रहता है। अब मान लीजिए 10 से 11 साल में उसका एडमिशन हुआ है, 14 साल तक ही आप शिक्षा देने वाले हैं, तो आगे जाकर वो एजुकेशन उसका छूट जाता है क्योंकि उसके बाद उसका पैसा लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती है। इससे अपव्यय को बढ़ावा मिलता है। अपरिपक्व अवस्था में छात्रों का शाला से हटना शिक्षा के अपव्यय को बढ़ावा देना है। मतलब कि पूरी तरीके से उनकी शिक्षा तो कंप्लीट हुई नहीं प्राइमरी की और बीच में वो छोड़ के चले गए, तो इससे क्या हुआ कि जो पैसा लगा उसका वो भी वेस्ट हुआ और साथ में जो है शिक्षा जो हम संकल्प लेकर के चले थे शिक्षा पहुंचाने के लिए, प्राथमिक शिक्षा, वो भी नहीं पहुंचा बच्चों तक। तो ये पूरी तरीके से वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, सब कुछ वैसा लगता है। तो ये तीन समस्याएँ जो है सार्वभौमिकता में हैं, हैं तो बहुत सारी समस्याएं, तीन का उल्लेख हुआ है। शिक्षा के सार्वजनिकरण, देखिए यहाँ पे जो सार्वजनिकरण लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सार्वभौमिकरण भी लिखा जा सकता है। ये तीनों नाम याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया कि सार्वजनिकरण, सार्वभौमिकरण या लोकव्यापीकरण करके क्वेश्चन आता है। तो ऐसा ना कि सार्वजनिकरण करके आए तो आप फिर सोचो कि भाई ये तो मैंने किया नहीं है। तो सार्वजनिकरण का ही जो है मतलब सार्वभौमिकरण है और सार्वभौमिकरण का मतलब जो है लोकव्यापीकरण वही है। ठीक है, मैंने दोनों लिख दिया, सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। आइए उद्देश्य क्या है, क्यों जो है हम शिक्षा को जो है सभी तक पहुँचाना चाहते हैं। वैसे इसमें पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, हम खुद से भी पॉइंट बना सकते हैं। हम क्यों चाहेंगे कि शिक्षा जो है सभी के पास पहुँचे, क्यों ज़रूरी है हर किसी के लिए शिक्षा? पहला तो ऑप्शन यही है, ज्ञानार्जन उद्देश्य के लिए, मतलब ज्ञान हो, सबको नॉलेज होगा तभी जाकर के जो अंधविश्वास है या फिर ये जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं ये सारी चीज़ें खत्म होगी। तो पहला जो उद्देश्य यही रखा गया था कि सभी लोगों को जो है ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, तो पहला उद्देश्य है ज्ञानार्जन का उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है
बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य इंसान की जो है मेंटल और जो है कॉग्निटिव जो है वो विकास हो पाए। तो क्योंकि देखिए हर किसी में कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है, ये बोल सकते हैं कि उसको सुविधा नहीं मिली या ये वो जो है उस माहौल से नहीं था इसीलिए जो है उसकी उसका विकास नहीं हो पाया, ये हम बोल सकते हैं। अदरवाइज एबिलिटी तो सभी में रहती है। तो शिक्षा के माध्यम से ही हम सार्वभौमिकरण अगर करते हैं, हर किसी के पास पहुंचाते हैं, तो जिसमें जो जो एबिलिटी है वो बाहर निकलेगी, तो उनका बौद्धिक और मानसिक जो है विकास हो पाएगा। तीसरा है शारीरिक विकास का उद्देश्य, जब कोई शिक्षित रहता है तो उसे पता रहता है कि शरीर कैसे स्वस्थ रखना है, क्या चीज़ खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो शारीरिक विकास का उद्देश्य भी रखा गया है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि अगर आपका शरीर ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी जा कर के जो है आपका दिमाग भी और आपका मानसिक स्थिति भी आपकी ठीक रहेगी। तो इसीलिए शरीर को भी स्वस्थ रखना ये शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण का एक उद्देश्य है। चौथा है नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। अब ये जो है नैतिक एवं चारित्रिक विकास, ये लगेगा कि ये क्या जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। मान लीजिए कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए, बहुत बुद्धिमान हैं, पैसा भी आपको बहुत आ गया, लेकिन आपके अंदर जो है सही गलत का कोई ये नहीं है, आप जांच नहीं सकते हो क्या सही है क्या गलत है, आप गलत पे गलत किए जा रहे हो, तो वैसी बुद्धि से क्या फ़ायदा, जो ये ना जांच पाए कि सही गलत क्या है, आपका अपना जो है नैतिक विकास आपका ना हुआ हो, आपका चारित्रिक विकास ना हुआ हो, तो ये सही नहीं है। तो राष्ट्र के निर्माण में या समाज की उन्नति में सभी व्यक्तियों का नैतिक विकास होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो सही डिसीजन मेकिंग कर पाए। पांचवा है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। हम लोग जो है सामाजिक प्राणी हैं, हमारे देश में जो है अलग अलग संस्कृति है, तो हम चाहेंगे कि हमारी संस्कृति जो है जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़े। तो आज के अभी के जनरेशन में हमारी जो संस्कृति है, जब हमारा नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो हम उसे फॉरवर्ड करें, उनको ट्रांसफ़र करें। तो इस तरह से ये भी उद्देश्य है कि सांस्कृतिक विकास भी सभी बच्चों में होता रहे। फिर उसके बाद से है सामाजिक कुशलता के विकास का उद्देश्य। समाज में रहना, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहना भी एक स्किल है। आपको किस तरह से रहना चाहिए समाज में, अगर आप रहते हैं तो आपके कर्तव्य क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको जानना, समाज को आगे ले जाना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इनके बारे में जानना और इसका भी जो है डेवलपमेंट करवाना जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य है। सेवेंथ नंबर है आप लोगों का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, ये होना तो ऊपर ही चाहिए था। आठवां है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, उनको इस तरह की शिक्षा दी जाए कि शिक्षा कंप्लीट होने के बाद वो अपना जो है सर्वाइवल इस दुनिया में खुद ही अच्छी तरीके से कर पाए, अपनी फैमिली को जो है अच्छी तरीके से देख पाए। तो ये है आठ उद्देश्य है शिक्षा के सार्वभौमिकरण या सार्वजनिकरण से। अब है आपका है शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता महत्व को लिखिए, मतलब कि इसकी आवश्यकता या इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या जरूरी है शिक्षा। उद्देश्य हमने देख लिया कि हम क्यों चाहते हैं, अब ये जरूरी क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है वो देखेंगे। पहला पॉइंट है साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यक। शिक्षा का सार्वजनिकरण करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को साक्षर करेगा तथा उसकी साक्षरता की उपलब्धि से उसका परिवार, समाज तथा राष्ट्र लाभान्वित होगा, क्योंकि वो अपने परिवार और समाज के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का प्रयास कर सकता है। अतः आवश्यक है कि शिक्षा का सार्वजनिकरण अवश्य ही होना चाहिए। पहला तो है साक्षरता प्रसार के, इसका मतलब है क्या कि शिक्षा का जो है प्रसार होगा। हो सकता है कि अभी के जो जनरेशन के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पहले वाले जनरेशन, जैसे हमारे माता पिता या हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स जो है
उतने पढ़े हुए नहीं हैं, तो हम जो आज सीख रहे हैं जाहिर सी बात है कि हमसे वो भी सीखेंगे, तो इस तरह से क्या होगा, साक्षरता का यानी कि शिक्षा का प्रसार होगा। तो पहला जो है आवश्यकता यही है कि साक्षरता को जो है बढ़ाया जाए। दूसरी आवश्यकता है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक, हमें इस दुनिया में जीने के लिए अपने दैनिक कार्य के लिए जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोई ना कोई रोजगार चाहिए या बिजनेस चाहिए, तो हम अपने पैरों पे खड़े हो पाए और ये शिक्षा के माध्यम से हो पाएगा, जिसे हम अपना जीविकोपार्जन या हम अपनी आवश्यकताओं को खुद ही जो है पूरा कर पाए और किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। तीसरा है स्व शिक्षा के लिए आवश्यक, अपने शिक्षा के लिए अपने आप को जागृत करने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे को प्रवचन देने के लिए ही शिक्षा जरूरी होती है, हमें हमारे नॉलेज हमारे ज्ञान के लिए भी शिक्षा जरूरी है, हम अपने कौशल को अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए शिक्षा लेना चाहते हैं। व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक, हर एक प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए उसके डेवलपमेंट के लिए जो है शिक्षा आवश्यक है। जनतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है, अगर शिक्षा से एक आदमी शिक्षित हो रहा है तो वो आदमी जो है उस शिक्षा का प्रसार करेगा, इस तरह से ये धीरे 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 चीज़ें जो है फैलती जाएंगी और पूरा जनतंत्र जितने भी लोग हैं सब के सब जो है शिक्षित होंगे तो डेफिनेटली वो सफल होंगे, अगर वो सफल होते हैं तो फिर समाज सफल होगा, समाज सफल होगा तो फिर राष्ट्र सफल होगा, इसी तरह से ये चीज़ें जो है ये चेन चलता रहेगा। सिक्स नंबर है राजनीतिक जागरूकता के लिए आवश्यक है, ठीक है। फिर सेवन नंबर है सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की भावना में सहायक है, जैसे कि हम जानते हैं समाज में बहुत सारी जो है असमानताएं फैली हुई है, तो इन सारी असमानताएं को दूर करने के लिए शिक्षा ही एक हथियार है, तो शिक्षा के माध्यम से जब सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये असमानता किसी भी तरह से जो है सही नहीं है, सबको इक्वल राइट है, इक्वल अधिकार जो है समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये आठ नंबर है सांप्रदायिकता के विनाश के लिए आवश्यक है, सांप्रदायिकता एक ऐसा अभिशाप है जो सामाजिक जीवन में व्यक्तिगत की भावना का विष घोल देता है, अतः राष्ट्रीय जीवन में सांप्रदायिकता के विष को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का प्रसार करना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है, यहां आपसे देखिए यह है आपका निष्कर्ष, यह है आपका निष्कर्ष। अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का सार्वजनिकरण व्यक्ति समाज और राष्ट्र सभी के लिए परम आवश्यक है, तभी राष्ट्र समान उन्नति यानी इक्वल प्रोग्रेस जो है वो कर सकता है। तो ये आपका है आज का क्वेश्चन, इसमें तीन क्वेश्चन एक्चुअली में है, एक नहीं है। पहला तो है कि प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन करने से आप क्या समझते हैं, दूसरा ये कितना सक्सेस हुआ और कितने स्टेप्स हम ले सकते हैं, तो ये तीन क्वेश्चन में मिक्स किया हुआ है, ये क्वेश्चन 100% रहेगा तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। फिर कल मिलूंगी आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि पूछा जाता है। टिल देन हैव अ नाइस डे।